नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम व्रत में खाने के लिए राजगिरी का हलवा बनाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और क्विक रेसिपी भी है, तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी राजगिरी का आटा लिया है, आधा या पौनी कटोरी आप चीनी ले लें, मैंने आधा कटोरी ली है। आधा कटोरी हमें घी लेना है और ड्राई फ्रूट लेना है टेस्ट से। तो घी और चीनी आप अपने टेस्ट और हेल्थ के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें हम ये घी डालेंगे और घी को हल्का गर्म होने पर राजगिरी का आटा डाल देंगे। तो एक कटोरी आटे में आधा कटोरी घी डाला है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, अच्छे से भूनना है जब तक थोड़ा खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए। हाई फ्लेम नहीं करनी है। तो देखिए, 5 से 7 मिनट में ये भुन गया और इसने घी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो अगर हमने एक कटोरी आटा लिया है तो हम 2 कटोरी पानी डालेंगे, आप दूध भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो मेजरमेंट आप इसी तरह से रखें, बहुत बढ़िया हलवा बनेगा। और चीनी डाल देंगे आधा कप या आधा कटोरी, जो भी हमने नाप से लिया है, और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से घी छोड़ने तक हम कुक करेंगे, चीनी भी मेल्ट हो जाएगी इसमें। तो आप देखिए, बहुत जल्दी बन जाता है, इतना अच्छा कलर आया, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा इसे घी छोड़ने तक हम कुक करेंगे। देखिए, ये अच्छे से अपनी कढ़ाई को छोड़ रहा है, तो बहुत अच्छे से कुक हो गया। फिर भी हम इसे 2 मिनट और ढककर पकाएंगे तो बहुत अच्छे से घी छोड़ देगा ये, और फ्लेवर और अच्छे आ जाएंगे। तो ये अब अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसे हम सर्व करते हैं। तो ये सागर में खाने के लिए राजगिरी का हलवा तैयार है। बहुत ही टेस्टी है और बहुत फटाफट बन जाता है, सिंपल रेसिपी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।